देखिए कितना टेस्टी पराठा लग रहा है ना। और यह है राजा रानी पराठा, सूरत का स्पेशल पराठा। हैवी भी होता है, आप घर पे अपने हिसाब से इसको पराठे को छोटा कर सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार जरूर बना करके देखें, और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं मेरे चैनल पर प्लीज कमेंट करें। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आपका मेरे चैनल सौम्याज किचन में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचती है, जिससे कि आपको पता चल जाता है कि मैंने नई वीडियो अपलोड कर दी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं राजा रानी पराठा। राजा रानी पराठा बनाने के लिए सबसे पहले आटा माड़ करके रखेंगे। ये मैंने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है और ये 1/2 कप मैदा है। आप चाहे तो आधा आधा भी कर सकते हैं या फिर केवल गेहूं का आटा माड़ सकते हैं, इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मैदा लेना ही लेना है। नमक डालेंगे और मीडियम सॉफ्ट आटा माड़ करके रखेंगे। बहुत ज्यादा कड़क नहीं माड़ेंगे, बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं माड़ेंगे। अब आटे को ढक कर के रख देंगे करीब 10 मिनट के लिए। राजा रानी पराठे की फिलिंग के लिए चाहिए पत्ता गोभी, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्च महीन कटी हुई, प्याज, अदरक मिर्च और लहसुन का पेस्ट। हरी मिर्च को आप कम ज्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अनुसार। साथ ही चाहिए उबला हुआ आलू मैश किया हुआ। आजकल जो नए आलू आ रहे हैं तो वो गरम गरम ही मैश होते हैं, ठंडे होने के बाद वो मैश नहीं हो पाते। या तो आप उसको ग्रेट कर ले या फिर गरम गरम ही मैश करके रख ले। मैंने एक आलू को मैश करके रख लिया था। प्रोसेस चीज, पनीर, हरा धनिया, गरम मसाला, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक। और इसमें चाहिए थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर, ऑप्शनल है, आप डालना चाहे तो डालें, लेकिन जो मार्केट में राजा रानी पराठा मिलता है उसमें ऑरेंज कलर वो लोग डालते हैं। तो चलिए फिलिंग तैयार करते हैं। फिलिंग तैयार करने के लिए बॉल में सभी सब्जियों को डाल देंगे। 1 कप के करीब पत्ता गोभी लिया है, 1/3 कप के करीब प्याज है, 1/4 कप गाजर है, 1/4 कप शिमला मिर्च है, 1.5 टेबल स्पून अदरक मिर्च लहसुन का पेस्ट है, 1 टेबल स्पून महीन कटा हुआ टमाटर है जिसके शीट्स हमने निकाल दिए हैं, 2 हरी मिर्च है महीन कटी हुई। इसमें डालेंगे उबला हुआ आलू मैश किया हुआ, करीब 1/2 कप पनीर ग्रेट कर देंगे। अब इसमें 1/4 कप के करीब चीज को ग्रेट कर देंगे। हरा धनिया डालेंगे, मसाले डालेंगे टेस्ट के अनुसार, नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला 1/4 टीस्पून के करीब, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और थोड़ा सा ऑरेंज रेड कलर डाल रही हूँ, ये जरूरी नहीं है डालना। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। सभी चीज़ अच्छी तरीके से मिक्स हो गई हैं। आटे को रखे हुए भी 10 मिनट हो गए हैं करीब। हल्का सा घी या ऑयल लगा करके मल लेंगे। जो फिलिंग बनाई है और जो आटा माड़ा है उसमें 3 पराठे बनेंगे, क्योंकि पराठा थोड़ा बड़े साइज का बनता है। इस तरीके से पराठे का लोई लेंगे, अब इसको बेलेंगे। पहले बेलने के बाद अब इसमें फिलिंग रखेंगे। फिलिंग इसमें काफी अच्छी क्वांटिटी में रखी जाती है, इस तरीके से आप देख सकते हैं, और इसको बंद कर देंगे। एक काफी बड़ा पराठा बनता है, इसमें 2 लोग आराम से खा लेते हैं और ये सूरत का फेमस पराठा है। सूखे आटे में डिप करेंगे, बहुत ज्यादा पतला नहीं करना है इसको। लारी पे मिलते हैं पराठे, जो उनके तवे होते हैं वो काफी बड़े साइज के होते हैं, तो बड़े साइज के पराठे बना सकते हैं। हम लोगों के जो घर में तवा होता है लोहे का, वो थोड़ा छोटे साइज का होता है, तो आप अपने हिसाब से थोड़ा छोटा साइज कर सकते हैं। ये मैं नॉन स्टिक वाले पे बना रही हूँ, इसलिए थोड़ा बड़े साइज का बनाया। आप देख सकते हैं तवा गर्म हो गया है, तवे पर ये पराठा डाल देंगे। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पराठा है। बहुत हाई फ्लेम पर इसको नहीं सेकना है, मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकना है। और आप चाहे तो घी में सेक सकते हैं इसको, ऑयल में सेक सकते हैं, मक्खन में सेक सकते हैं, जिसमें भी आपको अच्छा लगे सेकना। पराठे को पलट देंगे, देखिए तच गया है पराठा अच्छी तरीके से। मैं पराठे को घी में सेक रही हूँ। देखिए कितना अच्छा पराठा सिक रहा है।
और जो ये पराठा है वो गरम गरम ही खाने में अच्छा लगता है, तो आप जैसे ही बनाएं तुरंत की तुरंत सर्व करें इसको। और ये 250-300 रुपए का पराठा आता है मार्केट में, बहुत ही आसानी से इस पराठे को घर पे बना सकते हो और बहुत ही टेस्टी बनता है। काफी हैवी होता है, आप घर पे छोटे छोटे साइज के भी बना सकते हैं। पराठा सिक चुका है, प्लेट पे निकाल लेंगे इसको। गैस को स्लो कर देंगे और मक्खन डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ी सी फिलिंग डालेंगे और थोड़ी सी मेयोनीज डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। फिलिंग तैयार हो गई है, अब पहले पराठे को कट कर लेंगे। जैसे पिज्जा को कट करते हैं वैसे, कितनी अच्छी तरीके से फिलिंग हुई आप देख सकते हैं। अब जो कवरिंग तैयार की है इसके ऊपर डाल देंगे और इसको पूरे पे फैला देंगे इस तरीके से। गरम गरम कवरिंग के ऊपर ही चीज को ग्रेट करेंगे। चीज मेल्ट होने लगी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। राजा रानी पराठा बनकर के तैयार हो गया है। टमाटो केचप से बना देंगे। अब इसको आप टमाटो केचप के साथ, मेयोनीज के साथ और दही के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आपको ये पराठा कैसा लगा, इस पराठे को जरूर बना करके देखें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। स्टे हैप्पी एंड कीप कुकिंग। थैंक यू। और ऐसी ही नई रेसिपी देखने के लिए देखते रहिए सौम्याज किचन पर। बाय, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।